नमस्कार, मैं हूं आसिफ से। देखिए, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। अगर आपसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कोई आपसे पूछता है बिहार में काबा, तो आप आराम से कह दीजिएगा बिहार में दागी नेताओं का भरमार बा। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव जीत करके आए कई ऐसे नेता हैं जो दागी हैं। आइए इन दागी नेताओं के बारे में जानते हैं इस हमारी खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में चुने गए विधायकों में कम से कम 68% ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा के खिलाफ तो हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे संगीन केस हैं। जी हां, चुने गए इन विधायकों के आंकड़े जरूर डराने वाले हैं। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार आपराधिक छवि वाले चुने गए नेताओं की संख्या में 10% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अमीर विधायकों की संख्या जहाँ 2015 में 123 थी, जो इस बार बढ़कर 194 हो गई है। 243 विधायकों की तरफ से स्वघोषित हलफनामों के आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने इन आंकड़ों को जारी किया है। आंकड़े से जाहिर होता है कि जीते गए 241 विधायकों में से 163 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 142 दागी विधायक सदन पहुंचे थे। इस बार 123 जीते हुए उम्मीदवार यानी 51% ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और महिला के खिलाफ अपराध होने की बात कबूली है। साल 2015 में ऐसे 40% विधायक थे जिनके खिलाफ इस तरह के संगीन मामले चल रहे थे। चुने गए 19 ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ हत्या, 31 विधायकों के खिलाफ हत्या के प्रयास और 8 के विरुद्ध महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर केस दर्ज है। अगर पार्टी के आधार पर इन दागे विधायकों की बात करें तो आरजेडी के 74 में से 44 विधायक यानी 73% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले बताए हैं, जो किसी अन्य दल की तुलना में सबसे ज्यादा है। बीजेपी के चुने गए 73 विधायकों में से 47 यानी 64% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की बात बताई है। इसी तरह जेडीयू के चुने गए 43 विधायकों में से 20 के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं। कांग्रेस के चुने हुए 19 विधायकों में से 10 के खिलाफ मामले चल रहे हैं। CPI-ML के चुने गए 12 विधायकों में से 8 के खिलाफ मामले चल रहे हैं, जबकि AIMIM के विजेता 5 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले चलने की बात कबूली है। इन आंकड़ों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन दबंग और अपराधी नेता पार्टी की पहली पसंद होते हैं। नीतीश या मोदी सलीखे नेता बेशक अपने भाषणों में अपराध के खिलाफ बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन जब बात राजनीति से अपराध की सफाई की आती है तो उन्हें भी साफ सूंघ जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पहले से ही सियासत में दाग झेल रहे बिहार का विकास क्या इन्हीं दागी नेताओं के दम पर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24, पटना। NBC 24, सच की ताकत।